गृहमंत्री जी अमित भाई शाह आए थे और जिस तरीके से शिक्षा के जनताओं ने जनढल के साथ माननीय गृहमंत्री जी को स्वागत किया, और इससे मेरा पूरा विश्वास है अगले लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा को किस तरफ जा रहा है और क्या करने वाले हैं, ये कल अमित भाई शाह को हरियाणा के जनता ने शिक्षा से बता दिया है। और आज इस धर्मभूमि में जहां खड़ा हूं, धर्मवीर जी हमारे सांसद है, यहां के बड़े मात्रा में जो जनता और एक जोश के साथ आए हैं, ये भी प्रमाणित करता है। एक तरफ राजनीतिक भूमि में भी कल सिग्नल दिया हुआ है, आज धर्म की भूमि से भी वही दिशा दिया है जो मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा का सीट हरियाणा भाजपा को देने वाले हैं। जिसके पास जमीन ही नहीं है वो खेती करने चले। विकास भाजपा के सरकार का विकास खुद बोलता है। चरखी दादरी को 30 साल से कांग्रेस ने लॉलीपॉप दे रहा था जिले का। 2016 में 18 अगस्त को इस जिला घोषणा किया, 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए विकास हम बोलते नहीं, विकास करके दिखाते हैं। बात कर रहे हैं आप, 10 लोकसभा सीटें जीते हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर संशय है। कौन सा गठबंधन? हरियाणा में भाई 10 के 10 लोकसभा सीट हमारे पास है तो हम ही जीतेंगे। तो विधानसभा की बात की जाए तो क्या भाजपा गठबंधन के साथ जीतेगी? देखिए, विधानसभा जब आएगी तब तय करेंगे। भाजपा पिछले विधानसभा अकेले लड़े थे और भाजपा जिस गति से पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन में काम किए जा रहा है, और हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद है, बिना पर्ची बिना खर्ची मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया है। जिस हरियाणा में बिना पैसा नौकरी होती नहीं थी, उस हरियाणा में आज ट्रांसफर पोस्टिंग अपने आप हो जाता है, नौकरी अपने आप हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। जनता जानती है, गरीब जानता है, और उसी दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहा है। अभी हमारा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार बैठाना, इसीलिए बैठाना है। मोदी हमारे मजबूरी है, मोदी जी को मजबूरी नहीं है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए। ये हर माता, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर नौजवान जानता है, उसी दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे।